अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 8th क्लास का मैथमेटिक्स बुक सामने रख ले, एक्सरसाइज 4.3। क्लियर। कल मैंने इससे पहले लेक्चर में 4.3 के लिए दो फार्मूले मैंने प्रूफ किए थे, आज वही दोनों फार्मूले मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ और उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.3 ये है, 4.3। सबसे पहले इसके लिए दो फार्मूले, ए प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू 2 × a² + b² ए प्लस बी होल स्क्वेयर यहाँ पे माइनस ए माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू 4ab। इस फार्मूले में ए प्लस बी, ए माइनस बी और a² + b² तीन टर्म्स हैं। दो टर्म्स के वैल्यू गिवन होगा, एक आपसे रिक्वायर्ड होगा। तीनों टर्म चेक कर लो, इस फार्मूले में मौजूद है, तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करोगे। अगला वाला ए प्लस बी एक टर्म, दूसरा ए माइनस बी और तीसरा टर्म इसका ए बी। क्लियर। इन तीन टर्मों में दो की वैल्यू गिवन, एक आपसे रिक्वायर्ड, चेक कर लो कौन से फार्मूले में मौजूद है, वही फार्मूला अप्लाई करोगे। पहला क्वेश्चन x² + y² और xy, मतलब ये और ये दोनों रिक्वायर्ड है आपसे। x प्लस वाई आपको गिवन है 8, x माइनस वाई की वैल्यू आपको गिवन है 3। इसको मैं दोबारा लिख चुका हूँ, x प्लस वाई 8, x माइनस वाई 3। सबसे पहले x² + y² फाइंड करना है, पहले ये फाइंड करना है। तो ये दोनों गिवन और ये रिक्वायर्ड, ये तीनों कौन से फार्मूले में मौजूद है, वो फार्मूला ये है, x + y + x - y² = 2 × x² + y². इसकी वैल्यू 8 पुट अप कर ले, 8 होल स्क्वेयर। इसकी वैल्यू 3² = 2 × x² + y² 8 को दो बार 64, 9 को दो बार 3 को दो बार 9 और ये अपनी जगह पे उतार दे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, 8 कर ले, 64 प्लस 9 को 8 कर चुका हूँ, 73 इज इक्वल टू दिस थिंग। अब ये 2 हटाना है, ख़त्म करना है, मुझे ये चाहिए, मुझसे ये रिक्वायर्ड है, तो 2 पे डिवाइड कर ले, तो दोनों साइड को मैं 2 से डिवाइड कर चुका हूँ, तो ये 73 2 से डिवाइड नहीं होता। क्लियर। तो इसको एज इट एज उतार दे, x² + y², इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x² + y² = 73/2। अगला पार्ट यानी दूसरा, अब एक्स वाई फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई वही है 8, एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी वही है, लेकिन फाइंड ये करना है। अब ये तीनों, इन दो की वैल्यू गिवन, ये तीसरा रिक्वायर्ड, ये तीनों कौन से फार्मूले में मौजूद है, वही फार्मूले अप्लाई कर लो। इस डेटा को मैं दोबारा यहाँ पे उतार चुका हूँ यूजिंग फार्मूला, इस फार्मूले में ये तीनों मौजूद है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8² एक्स माइनस वाई 3² इक्वल टू 4xy, अपनी जगह पर उतार दें। 8 दोबारा इसको मैं लिख चुका हूँ, स्टेप को 8² = 64 आता है, 3 का² 9, इसको अपनी जगह पे उतार दे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर लो, 55 ये अपनी जगह पे, यहाँ पे 4 ख़त्म करना है, मुझसे एक्स वाई रिक्वायर्ड है, तो 4 से डिवाइड कर लो, इस साइड को भी इस साइड को भी, ये कैंसल, एक्स वाई की वैल्यू 55/4, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 55/4। क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा पार्ट, ये तो पहले पार्ट के दोनों हिस्से थे, अब दूसरे पार्ट में भी ये दोनों आपसे रिक्वायर्ड है, पहले मैं ये फाइंड करूंगा, सेकंड में ये फाइंड करूंगा। x प्लस वाई आपको 10 गिवन है, x माइनस वाई आपको 7 गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फाइंड करना है, x² + y² यूजिंग फार्मूला, इसकी वैल्यू 10² इसकी वैल्यू 7 पुट अप कर चुका हूँ, ये अपनी जगह पे उतार दे, 10 को दो बार 100 से 49 ये अपनी जगह पे उतार दे, मुझसे x² + y² रिक्वायर्ड है, इन दोनों को जमा कर चुका हूँ, मुझसे x² + y² रिक्वायर्ड है, ये 2 ख़त्म करना है, तो 2 से डिवाइड कर ले, इसको भी 2 से डिवाइड कर चुका हूँ, इसको भी 149/2 और ये 2 कैंसिल, x² + y², इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x² + y² = 149/2। क्लियर। अब पार्ट सेकंड का दूसरा हिस्सा फाइंड करना है, एक्स वाई फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई 10, एक्स माइनस वाई 7 और एक्स वाई आप लोगों ने फाइंड करना है। दोबारा मैं उतार चुका हूं, फार्मूला ये है, वैल्यूज पुट अप कर लो, इसकी वैल्यू 10² इसकी वैल्यू 7² इक्वल टू 4xy, 10 को दो बार 100 ये 49 इक्वल टू 4xy, ये दोनों सेपरेट कर लो, 51 इक्वल टू 4xy, मुझसे xy रिक्वायर्ड है तो 4 से डिवाइड कर ले, तो 4 से मैं इसको भी डिवाइड कर चुका हूँ, इसको भी, ये दोनों कैंसिल, xy आपके पास आएगा 51/4 या xy को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 51/4। क्वेश्चन नंबर 1 में तीसरा पार्ट, इनमें भी ये दोनों रिक्वायर्ड है, पहले मैं इसको फाइंड करूंगा, सेकंड मैं इसको फाइंड करूंगा, तो x + y 11, x - y 5
पहले मैं इसको फाइंड कर रहा हूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को फाइंड कर रहा हूं। तो यूजिंग फार्मूला, इसकी वैल्यू ये है 11 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, इसको अपनी जगह पे उतार दे, 121, 25, इसको अपनी जगह पे, ये दोनों जमा कर लो 146, इसको अपनी जगह पे, 2 पे डिवाइड कर लो, इसको भी और इसको भी मैं 2 पे डिवाइड कर चुका हूँ, 146 को 2 से डिवाइड कर ले 73 आता है, तो 73 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 73। दूसरा पार्ट x प्लस वाई वही है 11, x माइनस वाई 5 है, x y आपने फाइंड करना है, ये दोबारा मैं लिख चुका हूँ यूजिंग फार्मूला, फार्मूला लिख चुका हूँ, इसमें वैल्यूज पुट अप कर ले, इसकी वैल्यू 11 होल स्क्वायर 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy, 121 माइनस 25 इक्वल टू 4xy, इन दोनों को सेपरेट कर लो 96, ये अपनी जगह पे उतार दे, मुझसे एक्स वाई रिक्वायर्ड है तो 4 ख़त्म कर ले, तो 4 से मैं दोनों साइड को डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड कर चुका हूँ 96 को भी 4 से और इसको भी 4 से डिवाइड कर ले, तो 24 इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 24, ये आप लोगों का आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं, 4 पार्ट आप लोगों ने खुद ही करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 4 खुद ही करना है, क्वेश्चन 2 की तरफ आ जाएं, उसी तरह है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले फाइंड करना है और सेकंड आप लोगों ने ए बी फाइंड करना है, पहले आप लोगों ने ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेकंड आप लोगों ने ये फाइंड करना है, गिवन ये है ए प्लस बी 7, ए माइनस बी की वैल्यू 3, सबसे पहले मैं ये फाइंड करूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला लिख चुका हूँ, इसमें वैल्यू पुट अप कर लो, 7 स्क्वायर ये 3 स्क्वायर इक्वल टू, ये अपनी जगह पे उतार दे, 7 स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, ये अपनी जगह पे उतार दे, इन दोनों को जमा कर लो 58, ये अपनी जगह पे उतार दिया, अब ये 2 ख़त्म करना है, मुझसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो 2 डिवाइड कर लो दोनों साइड पे, इस साइड को भी 2 से डिवाइड कर ले और इस साइड को भी, 2 कैंसिल, 58 को 2 से डिवाइड करोगे तो 29 आएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर। सेकंड, अब ये फाइंड करना है ए बी, वैल्यूज ए प्लस बी 7 होगा, ए माइनस बी यही वैल्यूज होंगे, लेकिन ये फाइंड करना है एक्स प्लस वाई, ये है a प्लस बी 7 है, a माइनस बी 3 है, फाइंड ये करना है ए बी, दोबारा मैं लिख चुका हूँ यूजिंग फार्मूला, अब इसकी वैल्यू पुट अप कर लो, 7 स्क्वायर ये 3 स्क्वायर, ये अपनी जगह पे उतार दिया, 49, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, ये अपनी जगह पे उतार दे, इन दोनों को सेपरेट कर लो 40, ये अपनी जगह पे उतार दे, मुझसे ए बी रिक्वायर्ड है, 4 ख़त्म करना है, तो 4 को डिवाइड कर लो, इसको भी 4 से डिवाइड कर लो और इस साइड को भी, तो 40 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा 10 आएगा, 4 कैंसिल, ए बी इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट है ये, ए प्लस बी आपके पास है 9, ए माइनस बी आपके पास 1 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रिक्वायर्ड है और यहां पे ए बी रिक्वायर्ड है, दोबारा सुन ले, क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट है ये, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रिक्वायर्ड, ए बी भी रिक्वायर्ड, ये दो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड है, ए प्लस बी की वैल्यू 9 गिवन है, ए माइनस बी आपको 1 गिवन है, दोबारा मैं लिख चुका हूँ यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला लिख चुका हूँ, फार्मूले में वैल्यूज पुट अप कर ले, ए प्लस बी 9 स्क्वायर, ए माइनस बी 1 स्क्वायर, इसको अपनी जगह पे उतार दे, 81 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, अपनी जगह पे उतार दे, दोनों जमा कर लो 82, इसको अपनी जगह पे, 2 ख़त्म करना है तो 2 से मैंने डिवाइड किया है, डिवाइड बाई 2, इसको भी 2 से डिवाइड कर ले और इसको भी, 82 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा 41, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 41, ये आप लोगों का आंसर। वस्सलाम।